everyone, welcome to my channel where we are going to see about what is matplot. So let's start. So before going through that, please don't forget to like and subscribe if you like this video. Okay, so matplotlib kya hota hai, theek hai? Sabse pehli baat, matplotlib jo hota hai uska aadha part, like mat and then plot, theek hai? मैथ को आप मैथमेटिक्स से रिलेट कर सकते हैं. प्लॉट मतलब कि जो भी हम लोग ग्राफिक कर या विजुअल रिप्रेजेंटेशन करते हैं उसी को यहाँ पे प्लॉट बोला गया. और लिब मतलब लाइब्रेरी, ठीक है? इसी के हिसाब से इसका मीनिंग है. पहला पॉइंट, इट इज प्लॉटिंग लाइब्रेरी. ये जो है ये प्लॉटिंग लाइब्रेरी है. किसके लिए? बेसिकली ये क्या काम करता है, हम लोग को जो भी डेटा मिला है, हम लोग को जो भी डेटा मिला है उसको एनालाइज करके उसको प्लॉट बनाना और हम लोग उससे इजीली प्रेडिक्ट कर सके, विजुअलाइज कर सके, उसके लिए ये हेल्पफुल होता है. इट इज प्लॉटिंग लाइब्रेरी फॉर पाइथन. ओके, पाइथन लैंग्वेज किस में यूज कर सकते हैं हम लोग? मशीन लर्निंग में इसका यूज कर सकते हैं. नेक्स्ट इज न्यूमेरिकल एक्सटेंशन. न्यूमेरिकल एक्सटेंशन किस पे है? ये नंपाई पे. नंपाई के बारे में मैंने ऑलरेडी इस पे वीडियो बनाया, अगर आपने नहीं देखा है तो मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लगा दूंगी उसका लिंक, आप देख लेना. ओके, नेक्स्ट इज ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड एपीआई. ओके, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड एपीआई ये यूज होता है. लाइक ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड आपको नहीं पता होगा तो लाइक यू कैन सी इन जावा. जावा इज ऑल्सो ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड. जस्ट लाइक दैट मैटप्लॉट जो होता है वो एपीआई, लाइक ऐप जो हम लोग बनाते हैं, जो भी एप्लीकेशन रहता है उसमें आप देख सकते हैं कि कभी कभी आपको डेली बेसिस में बताता है कि आप आज कितना उस ऐप को यूज किए. लाइक इंस्टाग्राम में आप देख सकते हैं कि डेली यूज कितना हो रहा है, आप कितना डेटा उसमें यूज कर रहे हैं. इन ऐप लाइक यूट्यूब, यूट्यूब में आप देख सकते हैं कि आपका वीडियोस कितना डेली बेसिस में इंक्रीज कर रहा है, उस वक्त हम लोग मैटप्लॉटलिब का यूज कर सकते हैं. सो आई होप इसका डिस्क्रिप्शन आपको समझ में आया होगा. सो नाउ वी विल सी द कोडिंग पार्ट. ओके, सो पहले हम लोग क्या करेंगे, जो भी पैकेज आता है उसको इम्पोर्ट करना होता है. बिल्कुल इसी तरह हम लोग इसको इम्पोर्ट करेंगे. पहले इम्पोर्ट मैटप्लॉटलिब डॉट पाइथन. ओके, व्हाट डज इट मीन मैटप्लॉटलिब? हम लोग को पता है कि एक पैकेज है, उससे हम लोग पाइथन में प्लॉट करने के लिए वो हम लोग इम्पोर्ट कर रहे हैं. ओके, या फिर आप डायरेक्ट लिख सकते हैं फ्रॉम मैटप्लॉट. पहले आप इम्पोर्ट कर लीजिए मैटप्लॉटलिब को, फिर आप लिख सकते हैं फ्रॉम मैटप्लॉटलिब इम्पोर्ट पाइथन एज पीएलटी. एज पीएलटी का मतलब आपको पता होगा, फॉर आवर कन्वीनियंस, ताकि हम लोग को ईजी हो, इसके इतना बड़ा नाम ना लिखना पड़े, इसीलिए हम लोग इसमें क्या कर दे रहे हैं, पीएलटी लिख दे रहे हैं. ओके, x is equal to list range, ये एक वेरिएबल हम लोग डिफाइन किए, list range 0 to 10. ओके, तो लिस्ट क्या होता है आपको पता होगा अगर आप पाइथन पढ़े होंगे. लिस्ट बिल्कुल एरे की तरह होता है. देयर आर मेनी टाइप्स ऑफ एरे इन पाइथन. लिस्ट होता है, डिक्शनरी होता है, सबका अपना टपल होता है, सबका अपना क्या होता है, बेनिफिट्स और ड्रॉबैक्स होता है, आप जाके देख सकते हैं. तो लिस्ट हम लोग डिफाइन कर रहे हैं. रेंज क्या है आपका? रेंज एक तरह से हम लोग को बता रहा है कहाँ से वैल्यू शुरू होगा और कहाँ तक जाएगा, 0 से 10 तक. ओके, देन एक और वेरिएबल हमने डिफाइन किए बाय. एज यू ऑल नो कि अगर आप मैथ्स पढ़े हैं, बेसिक ग्राफ का आइडिया आपको पता होगा कि ग्राफ जो होता है अगर 2D है, ठीक है, तो एक्स एक्सिस होता है, वाई एक्सिस होता है. बिल्कुल उसी तरह हमने क्या किया, अभी एक्स और वाई वेरिएबल डिफाइन किए और उसका जो वैल्यूज होते हैं लाइक 1 से लेकर 10 या 100 व्हाटएवर, उसी को हम लोग यहाँ पे डिफाइन किए कि लिस्ट और फिर यहाँ पे लिस्ट रेंज -10 से 0. ठीक है, इट्स जस्ट द वे टू डिफाइन, यू कैन टेक फ्रॉम 0 to 10 आल्सो. ओके, ये जस्ट एक रेंज बता रहा है. देन पीएलटी मैंने इसको हम लोग किए, ठीक है, रेफरिंग टू दिस पीएलटी डॉट प्लॉट एक्स कॉमा वाई. व्हाट इट विल डू नाउ, नाउ इट विल शो अस द प्लॉट बिटवीन एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस. फिर एक्स एक्सिस में क्या होगा, होगा एक्स का वैल्यूज होगा और वाई का होगा. नेक्स्ट लेट्स सी द, सो देख सकते हैं आप कैसे उस एक्सिस का जो मैंने डिफाइन किया था रेंज एक्स कैसे हुआ है और वाई कैसे हुआ है और किस तरह से हम लोग का ग्राफ प्लॉट हुआ है. ओके, सो नाउ लेट्स सी अबाउट द, नाउ वी आर गोइंग टू सी हाउ वी विल मॉडिफाई दैट ग्राफ. ओके, अभी तो हम लोग सिंपल एक ग्राफ देखे, अब उसमें हम लोग अगर टाइटल ऐड करना चाहिए, लाइक कोई ग्राफ हम लोग का फॉर्म हो रहा है या प्लॉट हो रहा है, ठीक है, तो हम लोग क्या करेंगे, ऊपर में कोई टाइटल हो तो उसके लिए हमें क्या कर देंगे, पीएलटी. एज यू नो व्हाट इज पीएलटी, पीएलटी एंड देन टाइटल डॉट टाइटल एंड देन मैटप्लॉटलिब. यू कैन राइट एनीथिंग, वॉट एवर टाइटल यू वॉन्ट, यू कैन राइट डेली एवरेज और वॉट एवर, डेली एवरेज टाइम, वॉट एवर. ओके, सो आई होप यू आर गेटिंग वॉट इज द मीनिंग ऑफ पीएलटी डॉट टाइटल. ओके, देन पीएलटी डॉट एक्स लेबल. अब जैसे कि हम लोग यहाँ पे ग्राफ बन रहा था, ठीक है, तो यहाँ पे
वही चीज हम लोग लिखने के लिए यहाँ पे हम लोग जैसे मैंने लिखा है एक्स एक्सिस, बट आप वहाँ पे कुछ भी लिख सकते हैं लाइक डेली यूजेस, ओके व्हाटएवर, या फिर टाइम लिख सकते हैं, ठीक है, उस हिसाब से ईयर वाइज, ठीक है, उस हिसाब से जैसे कि यहाँ पे हम लोग कभी भी ग्राफ करते हैं तो हम लोग को पता होना चाहिए ना कि यहाँ पे जो डेटा दिया हुआ वो क्या चीज़ को रिप्रेजेंट कर रहा है, यहाँ पे जो डेटा दिया हुआ क्या चीज़ को, उस हिसाब से हम लोग क्या ग्राफ बनता है, ठीक है, बिल्कुल उसी के लिए हम क्या करेंगे यहाँ पे एक्स लेबल एक्स एक्सिस, ठीक है, फिर क्लियरली वाई लेबल, उससे क्या होगा ये वाला ईयर को आप डिफाइन कर सकते हैं, वाई एक्सिस है कुछ भी लिख सकते हैं, देन पीएलटी डॉट एक्स टिक्स, ओके दिस इज वेरी डिफरेंट, ये क्या चीज के लिए हो रहा है कि अगर हम लोग पहले कुछ डिफाइन कर दिए, सपोज 1 2 3 करके डिफाइन कर दिए, अब वहां पे हम लोग को कैरेक्टर के फॉर्म में चाहिए, ठीक है, सपोज पहले हम लोग यहाँ पे 1 2 3 ऐसा था, ठीक है, तो हम लोग क्या करेंगे यहाँ पे जितना भी डेटा था वो लिख देंगे, ओके 1, 2, 3, ठीक है, लिख देंगे ये ब्रैकेट में, पहला ब्रैकेट में कॉमा करके सेकेंड ब्रैकेट फॉर्म करेंगे, उसमें हम लोग को जिस फॉर्मेट में चाहिए लाइक 1 हम लोग को ए की तरह चाहिए तो हम लोग यहाँ पे ए लिखेंगे, ठीक है, ओके वी विल राइट ए, देन बी सी, ओके लाइक दैट, व्हाट इट विल फॉर्म द न्यू प्लॉट व्हाट एवर इट विल बी, वो हम लोग क्या देगा 1 के बदले वहां पे ए आ जाएगा, 2 के बदले बी आ जाएगा, सो द बेसिक मोटो पीएलटी डॉट एक्स टिक्स इज टू जस्ट रिप्लेस द वैल्यू, ओके नेक्स्ट इज पीएलटी डॉट प्लॉट, अब देखो कभी कभी हम लोग को ना प्लॉट जैसे कभी कभी हम लोग को ग्राफ दिया हुआ रहता है तो उसमें एक लाइन है, ठीक है, दूसरा लाइन भी अगर सेम कलर से हो तो कभी कभी हम लोग को दिक्कत हो जाता है, तो उसको कलर की तरह से या उसको और अच्छा तरह से दिखने के लिए हम लोग क्या कर सकते हैं कलर के यूज कर सकते हैं, सो पी एल टी ए कॉमा बी कॉमा कलर इक्वल टू रेड, ओके सिंगल कोट्स के अंदर, ओके पी एल टी देन ए कॉमा बी कलर एंड देन रेड, नाउ व्हाट इट विल हैपन, जो भी ग्राफ फॉर्म होगा उसका जो लाइन होगा या जो कलर होगा वो क्या होगा रेड कलर का होगा, ओके सो मैटप्लॉटलिब जो होता है वो बहुत सारा कमांड स्टाइल फंक्शंस का कलेक्शन होता है जिसकी वजह से वो कभी कभी मैटलैब की तरह भी काम करता है, तो एक्चुअली मैटप्लॉटलिब से हम लोग क्या कर रहे हैं, हम लोग का फिगर में चेंजेस आ रहा है, कभी हम लोग अपना डेटा को चेंज करके उसका फिगर को चेंज करके कभी क्रिएट कर रहे हैं, कभी हम लोग उसका कलर चेंज कर रहे हैं, बहुत सारा हेल्पफुल होता है, ठीक है, जैसे ऐप में मैंने आपको एक एग्जांपल बताया कि मैटप्लॉटलिब के यूज से हम लोग क्या कर सकते हैं, जो डेली यूजेज हो रहा है हम लोग का डेटा या फिर कितना टाइम हम लोग इन्वेस्ट मतलब उसमें कर रहे हैं, ठीक है, सो उसी तरह यहाँ पे क्या हो रहा है मतलब मैटप्लॉटलिब का यूज हो रहा है, सो आई होप आपको ये वीडियो से बेसिक आइडिया लगा होगा, सो थैंक यू वेरी मच।